हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। सभी बच्चे अपनी अपनी व्याकरण भारती पुस्तक, रफ कॉपी और पेंसिल्स लेकर बैठ जाएं और ध्यानपूर्वक आज का सेशन अटेंड करें। बेटा, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे जिसका नाम है अपठित गद्यांश। शुरू करने से पहले हम इसका अर्थ समझ लेते हैं। अपठित का अर्थ है अनसीन। अपठित दो शब्दों के मेल से बना है जिसका अर्थ है जो पहले पढ़ा न गया हो। नेक्स्ट इज गद्यांश। गद्यांश का मीनिंग है पैराग्राफ यानी कि पैसेज। तो बच्चों, आज हम अनसीन पैराग्राफ पढ़ेंगे। अपठित गद्यांश पढ़ने से पहले हम इसे सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स जान लेते हैं ताकि आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकें। पहले चरण यानी फर्स्ट स्टेप में सिर्फ हम प्रश्न पढ़ेंगे। बेटा, लिखा तो पहले गद्यांश होता है, लेकिन गद्यांश यानी पैराग्राफ पढ़ने से पहले हम इसके प्रश्न पढ़ेंगे। अगला स्टेप, गद्यांश को दो तीन बार पढ़ें यानी रीड करें और उसका अर्थ समझें यानी मीनिंग समझें। आगे गद्यांश को पढ़ने के बाद जिन प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं उन्हें मार्क करें यानी साइड बाय साइड आंसर्स को मार्क करते जाएं। प्रश्नों को गद्यांश के अनुसार हल करें यानी जो भाषा या भाव गद्यांश में लिखा है उसी के अनुसार प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नेक्स्ट इज व्याकरण के अनुसार रेखांकित शब्दों के उत्तर दें। बेटा, ये जो स्टेप है इसमें आपको व्याकरण यानी ग्रामर के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे गद्यांश में से ही कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन करके उनके लिंग, वचन, विलोम या पर्यायवाची शब्द करने के लिए कहा जाएगा या किसी वाक्य या किसी लाइन को उठाकर उसका खाली स्थान भरने के लिए कहा जाएगा। आगे शीर्षक यानी हेडिंग, जिसे हम टाइटल कहते हैं। तो बच्चों, हेडिंग चार पांच शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। बेटा, आपने कहानी पढ़ते समय, पाठ पढ़ते समय या ऐसे पढ़ते समय कभी शीर्षक यानी हेडिंग की तरफ ध्यान दिया है? वो शीर्षक केवल चार पांच शब्दों से ही बनता है। जैसे आपके लिटरेचर बुक में पाठ है जिनके नाम है यानी शीर्षक है, बया का घर, लालची किसान इत्यादि। उसी तरह हम इस अपठित गद्यांश का भी एक शीर्षक लिखेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं व्याकरण भारती पुस्तक पर पेज नंबर 103 पर और सॉल्व करते हैं अपठित गद्यांश। जैसा कि आपको फर्स्ट स्टेप में बताया गया था कि हम पहले प्रश्न पढ़ेंगे, तो आइए बेटा इस गद्यांश के पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। नंबर वन इज गुलाब बाग कहाँ है। नेक्स्ट इज गुलाब बाग का निर्माण किसने करवाया था। नेक्स्ट इज गुलाब बाग को और किस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इज गुलाब बाग के आसपास और क्या क्या है। नेक्स्ट इज गद्यांश का उचित शीर्षक लिखो यानी टाइटल लिखो। तो चलिए बेटा अब हम अगले स्टेप में गद्यांश पढ़ लेते हैं, पर उससे पहले हम इसके डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग्स डिस्कस करें। नंबर वन इज गुलाब बाग मीन्स रोज गार्डन। आगे ध्यान दें राजस्थान, तो बेटा राजस्थान में आधा स। नेक्स्ट इज उदयपुर, उ द य उदयपुर पक छोटा उ र पुर। जिले, ज के पैर में बिंदी छोटी की मात्रा ल को ए। जिले मीन्स डिस्ट्रिक्ट्स, डी आई एस टी आर आई सी टी एस डिस्ट्रिक्ट्स। 100 एकड़ जमीन, तो बेटा 100 एकड़ जमीन मीन्स 100 एकड़ लैंड। निर्माण, न को छोटी म को आ ऊपर रे फण। निर्माण मीन्स कंस्ट्रक्शन, सी ओ एन एस टी आर यू सी टी आई ओ एन कंस्ट्रक्शन। तो बेटा आगे ध्यान दें सज्जन, स आधा ज जन सज्जन। नेक्स्ट इज निवास, न को छोटी ई व को आस। निवास मीन्स रहने का स्थान। नेक्स्ट इज उद्यान, उ द के पैर में हलंत य को आन। उद्यान मीन्स गार्डन, जिसे हम हिंदी में बाग कहते हैं। किसमें, क को छोटी आधा स म को ए पीछे बिंदी। किसमें मीन्स टाइप्स। चिड़ियाघर, चिड़ियाघर मीन्स जू। नेक्स्ट इज सरस्वती भवन, स र आधा स व त को बड़ी सरस्वती। और भवन में बेटा ध्यान दें
भालू भवन, पुस्तकालय, प को छोटा उ, आधा स त, क को आ ल य, पुस्तकालय मीन्स लाइब्रेरी, एल आई बी आर ए आर वाई लाइब्रेरी। तो बच्चों अंतिम शब्द की तरफ ध्यान दें, संग्रहालय मीन्स म्यूजियम, स के ऊपर बिंदी, ग के पैर में र, ह को आ ल य, संग्रहालय मीन्स म्यूजियम, एम यू एस सी यू एम म्यूजियम। तो चलिए बेटा अब हम इस गद्यांश को पढ़ेंगे। गुलाब बाग राजस्थान में है। यह उदयपुर जिले का सबसे बड़ा बाग माना जाता है। यह 100 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। इसका निर्माण 1850 के आसपास महाराजा सज्जन सिंह ने करवाया था, इसीलिए इसे सज्जन निवास उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। इसमें गुलाब के फूलों की कई किस्में हैं जो और कहीं नहीं पाई जाती। बाग के पास ही चिड़ियाघर, सरस्वती भवन पुस्तकालय और संग्रहालय है। चलिए बेटा अब इनके प्रश्नों के उत्तर डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न, गुलाबा कहाँ है? तो बेटा इसका उत्तर आपने गद्यांश की फर्स्ट लाइन में ही पढ़ा है, गुलाबा राजस्थान में है। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने आपकी सुविधा के लिए सॉल्व कॉपी पर कर दिया है, ताकि आप बाकी प्रश्नों के उत्तर भी इसी तरह अपनी कॉपी पर कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गुलाब बाग का निर्माण किसने करवाया था? यानी निर्माण मीन्स किसने बनवाया था। नेक्स्ट इज, गुलाब बाग को और किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों इसका उत्तर भी आपको गद्यांश में दिया गया है। थर्ड लाइन में, गुलाब बाग को और सज्जन निवास उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इज, गुलाब बाग के आसपास और क्या क्या है? तो बेटा इसका उत्तर आपको गद्यांश की अंतिम लाइन में दिया गया है। तो बच्चों गुलाब बाग के आसपास चिड़ियाघर, सरस्वती भवन पुस्तकालय और संग्रहालय है। नेक्स्ट इज, गद्यांश का उचित शीर्षक लिखो। शीर्षक मीन टाइटल यानी कि हेडिंग। तो बच्चों मैंने आपको बताया इसका टाइटल 4-5 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। तो बच्चों इस गद्यांश का उचित शीर्षक होगा यानी टाइटल होगा, गुलाब बाग का ऐतिहासिक महत्व। तो बच्चों इसके अलावा आपको व्याकरण से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक रेखांकित शब्द दिया गया है फूल, तो फूल का पर्यायवाची क्या होगा यानी समानार्थी शब्द क्या होगा? पुष्प, कुसुम, सुमन। और एक बाग शब्द रेखांकित किया गया है, बाग का पर्यायवाची क्या होगा? उपवन, वाटिका, बगीचा। तो बच्चों ऐसे ही आपको व्याकरण के अनुसार जो भी गद्यांश में रेखांकित शब्द दिए जाएंगे आपने उनके उत्तर देने हैं। तो चलिए बेटा अब हम अगला गद्यांश पढ़ें। तो बेटा याद है ना सबसे पहले क्या पढ़ने हैं? प्रश्न। तो आइए रीड करें। नंबर वन इज, कागज का उपयोग हम किस लिए करते हैं? नेक्स्ट इज, जब कागज नहीं था तब किस पर लिखा जाता था? नेक्स्ट इज, कागज किन चीजों से बनाया जाता है? नेक्स्ट इज, कागज का प्रयोग समझदारी से न करने पर क्या होगा? नेक्स्ट इज, इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखो यानी टाइटल लिखो। तो चलिए बेटा अब हम डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग्स को डिस्कस कर लेते हैं। कागज मीन्स पेपर, उपयोग, उपयोग मीन यूज, छपाई, तो बेटा ध्यान दे छतरी, छपाई मीन्स प्रिंटिंग। नेक्स्ट इज, लकड़ी की लुगदी मीन्स पल्प ऑफ वुड, बांस, बकुआ ऊपर चांद बिंदु स, बांस मीन बैम्बू। नेक्स्ट इज, पेड़ की छाल मीन्स बाक ऑफ ट्री, पत्तों मीन्स लीव्स। उपलब्ध, उपलब्ध मीन्स अवेलेबल, ए वी ए आई एल ए बी एल ई अवेलेबल। सफ़ेद कागज मीन्स वाइट पेपर, बर्बाद मीन्स वेस्ट। नेक्स्ट इज, मात्रा, तो बेटा मात्रा में ध्यान दें मकुआ त्रकुआ मीन्स क्वांटिटी, क्यू यू ए एन टी आई टी वाई क्वांटिटी। नेक्स्ट इज, पर्यावरण, प यकुआ ऊपर रे व र अण, पर्यावरण मीन्स इन्वायरमेंट, ई एन वी आई आर ओ एन एम ई एन टी इन्वायरमेंट। जो
अब अंतिम शब्द की तरफ ध्यान दें, संकट। स के ऊपर बिंदी कट, संकट मीन्स मुसीबत। तो चलिए बेटा अब हम गद्यांश पढ़ें। हम कागज़ का उपयोग लिखने और छपाई के लिए करते हैं। कभी आपने सोचा है कि कागज़ हमें कैसे मिलता है? आमतौर पर कागज़ लकड़ी की लुगदी से बनाया जाता है। इसके अलावा बांस और घास से भी कागज़ बनता है। पहले जब कागज़ नहीं था तब पेड़ की छाल और पत्तों पर लिखा जाता था। आज बाज़ार में कई रंगों के मीन्स डिफरेंट कलर्स के कागज़ उपलब्ध हैं, लेकिन लिखने के लिए अधिकतर सफ़ेद कागज़ का इस्तेमाल किया जाता है। कागज़ बहुत उपयोगी है, इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। यदि हम कागज़ का उपयोग समझदारी से नहीं करेंगे तो अधिक मात्रा में कागज़ बनाना होगा। इसके लिए अधिक पेड़ काटने होंगे जिससे पर्यावरण पर संकट आ जाएगा। तो बेटा अब आपने इस गद्यांश के आंसर्स खुद ढूंढकर लिखने हैं और रिटर्न प्रैक्टिस भी करनी है। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।